शिंदे साहब की शिवसेना को असली शिवसेना और धनुष बाण दोनों मिल गए। अपनी फोटो से बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई, देवेंद्र जी को नेता मानकर चुनाव लड़े और फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए विरोधी विचारधारा के तलवे चाटने लगे। आज उनको सत्य क्या है वो परिचय मिल गया। कल ही एक बहुत बड़ा विजय हमारी यूटी को मिला है। शिंदे साहब की शिवसेना को असली शिवसेना और धनुष बाण दोनों मिल गए। एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। और जो लोग झूठ के आधार पर हुंकार भरते थे, उन लोगों को आज मालूम पड़ गया है सत्य किसके साथ है। आज मालूम पड़ गया है। जब चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, चुनाव मिलकर लड़े, अपनी फोटो से बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई, देवेंद्र जी को नेता मानकर चुनाव लड़े और फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए विरोधी विचारधारा के तलवे चाटने लगे। आज उनको सत्य क्या है वो परिचय मिल गया। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी, पुणे के कार्यकर्ता, आसपास के 3 जिलों के कार्यकर्ताओं ने भी आज एक संकल्प कर जाना है, आगामी लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की सभी के सभी सीटें शिवसेना बीजेपी युति के खाते में। ये जो चुनाव में हार होता है पराजय होता है, जीत होती है विजय होता है, परंतु जो लोग धोखा देते हैं ना, उनको कभी बख्शना नहीं चाहिए। बिना धोखा करने वालों की हिम्मत करती। कल मैंने शिंदे जी का भाषण सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। एक पत्रकार ने पूछा कि धनुष बाण आपको मिल गया? उन्हें कहा ना, धनुष बाण एनसीपी कांग्रेस के यहां जीरो रखाए थे, मैं छुड़ा कर ले आया। हमारी छोड़िए, इन्होंने बाला साहब की विचारधारा और शिव सैनिकों के साथ भी धोखा किया था। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।